प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ सम्मेलन किया। जेपी नड्डा तकरीबन 12:30 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वह गोरखनाथ मंदिर गए, जहां पर बाबा गोरखनाथ के दर्शन किए और इसके बाद भोजन किया। इसके बाद जेपी नड्डा गीता प्रेस गए, वहां से सीधे चंपा देवी पार्क स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचे और वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें 2022 विधानसभा चुनाव से पहले गुरु मंत्र दिया कि आखिर कैसे अपने बूथ को जीता जाए, का संस्थान बन जाए इस बात को समझना चाहिए, स्कूल बन जाए इस बात को समझना चाहिए, मास्टर आने लगे और आपके बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था करा दे, डॉक्टर आने लगे और आपके स्वास्थ्य की चिंता हो जाए और बच्चों को हर तरीके का टीकाकरण हो जाए, जच्चा बच्चा की पूरी चिंता हो जाए। अगर सही नेता योगी बाबा की तरह आ जाए तो ये हो जाता है, बात को हमको करना। इसलिए बूढ़ी मां के सामने जाकर के आप प्रार्थना कीजिए कि लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रहे, आपकी सेवा में जुटी रहे और बूढ़ी मां के आशीर्वाद से बाबा आपकी सेवा करते रहे। और मुझे बताया गया कि बच्चे टॉफी वाले बाबा के नाम से जानते हैं, मिठाई वाले बाबा के नाम से जानते रहे, तो दीपावली के दिन आपका आना शुभ लक्षण है और शुभ लक्षण के साथ साथ विकास की एक नई कहानी भी कहता है। इसलिए अभी संवाद हुआ तो संवाद तो एक तरफा था, सबने बाबा को धन्यवाद दिया। यह बताता है कि जिन लोगों को आम आदमी के प्रति समर्पण होता है तो समाज का नेतृत्व और समाज कैसे बदल जाता है। आज मैं आया हूं तो मैं पक्के मकान देख रहा हूं, आज मैं आया हूं तो यहां बिजली देख रहा हूं, आज मैं आया हूं तो पक्की सड़क देख रहा हूं, आज मैं आया हूं तो यहां पर स्कूल का प्रांगण देख रहा हूं। यह सब इसलिए संभव है क्योंकि आपकी चिंता करने वाली सरकार और योगी आदित्यनाथ जी जैसा नेता है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।